अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कीमा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ऑयल ले लिया है पैन में, और ये तीन मैंने ना मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर लिए, बारीक चॉप करना है। ऑयल गर्म हुआ, कोई खड़े गर्म मसाले नहीं डालने। और ये मैंने बता रही हूँ कि मसाला मैं कैसा बनाऊँगी। तो ये तीन हरी मिर्च लिए, अदरक के टुकड़े लिए हैं, चार लहसुन लिए हैं, पुदीना लिया है, और धनिया, हरा धनिया लिया है। इन सबको पीस लेंगे। ये थोड़ा ग्रीन मतलब मसाला बनेगा, और थोड़ा चटनी जैसा। तो ऑयल गरम हो गया, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ा नमक डालेंगे और प्याज को अच्छे से पकाएंगे। ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है, जस्ट प्याज गलने जितना, यानी जब सॉफ्ट हो जाए प्याज उतना हमको पकाना है। प्याज सॉफ्ट हो गया, अब जो मसाला है ना उसको पीस लिया, पीस के अब हम इसमें वो मसाला ऐड कर देंगे। ऐड करके अभी मसाले को ना प्याज के साथ अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये हरे मसाले का कीमा है, अगर आपको हरा मसाले का कीमा नहीं तो आप फिर मतलब लाल मिर्ची यूज़ कीजिए और ग्रीन चिली हटा दीजिए। तो ये ढक के मैं थोड़ा सा मसाले को भून रही हूँ। सेम तरीके से आप मतलब रेड वाला भी बना सकते हैं, रेड मसाले में, लाल मसाले में। तो ये थोड़ा सा मैंने नींबू निचोड़ा है, थोड़ा बाद में हम ऐड करेंगे नींबू। मसाला अच्छी तरीके से भून गया, ऑयल सेपरेट हो गया, अब इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा डालने के बाद अच्छी तरीके से मिलाइए। देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा मसाले में मिलने के बाद। अभी भी इसका रंग नहीं बना है, ये थोड़ा और पकेगा उसके बाद इसका रंग आएगा, मतलब ग्रीन थोड़ा सा ये लुक देगा। अब इसमें ना ये टाइम पे ना मैंने सूखे मसाले डाल दिए, और वो मैंने देखा तो वो क्लिप, वो मतलब कैमरा ऑन ही नहीं था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैं बता दूँगी, मैंने हल्दी पाउडर डाला थोड़ा सा, दो चम्मच धनिया पाउडर डाला, और छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाला, आधा छोटा चम्मच। और अब मैंने गरम मसाला डाला और अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। लाल मिर्ची का पाउडर मैंने नहीं डाला इसमें, क्योंकि हरे मसाले में बन रहा है। गरम मसाला डालते साथ थोड़ा सा मिक्स करने के बाद में पानी डाल देंगे, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। ये थोड़ा ग्रेवी जैसा बनता है, मतलब एकदम से सूखा नहीं होता है, आप सूखा भी बना सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये ग्रेवी जैसा बनेगा, मैं बना रही हूँ यानी। अब इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया, ये भी डालिए कीमे के साथ, है ना। मिर्ची का ब्लैक पेपर पाउडर बहुत अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है। अब मैंने ना हरी मिर्च दो टुकड़ा करके इसमें डाल दिए, उसमें डाला था मैंने, बट वो ये वाली ना मिर्ची इतनी तीखी नहीं है, और ये आप बाद में ये ऐड करना, क्योंकि इससे भी टेस्ट आता है, डिफरेंट टेस्ट आता है थोड़ा सा। तो ये हो गया, मसाला हमारा भून गया, ढक के मैंने पकाया था दम पे। अभी हम इसमें धनिया डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा नींबू जो बचाया था ना वो नींबू भी इसमें डाल देंगे, यानी जैसा आपको खट्टा चाहिए। टमाटर तो हम यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ नींबू से ही इसको खट्टा करना। तो एक नींबू, आप एक नींबू डाल सकते हैं इसमें पूरा, आधा आधा करके, आधा पहले डालिए आधा बाद में डालिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए बाकी बचा हुआ नींबू मैं डाल रही हूँ, सिंपल तरीके से, कोई झंझट नहीं। और कोई खड़ा गरम मसाला भी मत डालना, क्योंकि कीमे में मसाला बीच में आता है तो वैसे ही खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, चिढ़ जाता है बंदा कि ये क्या मसाला मसाला बीच में आ रहा है, उसको चुन के निकालना पड़ता है। तो इससे अच्छा डालो ही मत मसाला, गरम मसाला पाउडर डालो सबसे बेस्ट है, उसमें सब चीज़ रहती है, कोई अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसमें थोड़ा ग्रेवी और करूँगी, क्योंकि पक पक के सूख गया ना। अब इसको मैं ढक्कन ढक के रख दूंगी थोड़ा सा, 5 मिनट के लिए पकने के लिए। तो ये कीमा रेडी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तो सडनली मैं बीच में आ गई, कीमा बन रहा था और मैं बीच में आ गई, और वो इसलिए था कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। और माशाल्लाह अभी बहुत अच्छा महीना आने वाला है, बरकतों वाला, रहमतों वाला। वैल्यू ऐड करते अपने वीडियो में और कुछ अच्छा काम करते ज़िंदगी में, इस नीयत से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं कुकिंग व्लॉग्स या जो कुछ भी व्लॉग्स बनाऊंगी तो
उसके साथ में मैं 2-3 मिनट ऐसे दूंगी कि मैं आपसे बात कर सकूं और कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता सकूं जिससे आपको फ़ायदा पहुंचे, और आप अगर उस पर अमल करते हो तो फिर आपकी ज़िंदगी बदल जाए। ये मेरी नीयत है करने की। बाकी आप पर है कि आप मेरी बातों को किस तरीके से लेते हो अपनी लाइफ में। जल्दी जल्दी बताती हूँ क्या बात है कि देखो, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते, हर किसी की लाइफ में आते, अच्छा वक्त बुरा वक्त सबकी ज़िंदगी में चलता है। कोई एक घर ऐसा नहीं है जिसके घर घरों में प्रॉब्लम्स नहीं आते या तकलीफ़ नहीं आती, या किसी की ज़िंदगी में। तो मेरे भी साथ में कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे हेल्थ से रिलेटेड जो मैंने फ़ेस किए, और अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगी मैं, माशाल्लाह 12 साल मैंने उस तकलीफ़ में गुजारे हैं और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है और कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तकलीफ़ में मुझे आई थी, कहीं ना कहीं वो मेरी तकदीर में लिखी हुई थी कि वो मेरी तकलीफ़ मुझे आके पहुँचेगी, और वो तकलीफ़ मेरे रब की तरफ से थी, यानी जिसने भी मुझे पैदा किया। अगर वो चूज़ करता है मेरी ज़िंदगी में कि ये तकलीफ़ आए, तो कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न होगा, बिना रीज़न के वो तकलीफ़ नहीं आएगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मैं अपनी तकलीफ़ से बहुत कुछ सीखी हूँ, अपनी प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीखी हूँ, और माशाल्लाह वो प्रॉब्लम में रहते रहते उसने मुझे बहुत कुछ बदल दिया, यानी वो प्रॉब्लम ने मुझे चेंज कर दिया, और इतना अच्छा चेंज आया मेरे अंदर कि मैं अपनी तकलीफ़ को अब तकलीफ़ नहीं देखती, मैं उसको ब्लेसिंग की तरह देखती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप भी किसी तकलीफ़ से गुजरते हैं, किसी भी, छोटी हो या बड़ी हो, तकलीफ़ तकलीफ़ होती है ना, अगर गुजरते हो किसी भी तरीके की हो, तो परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि ना वो तकलीफ़ आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, आपको चेंज करने के लिए आई है, और वो आपको बदल देगी अगर आप बदलना चाहे तो। अगर आप उस तकलीफ़ को ब्लेसिंग लेते हो और उससे नाराज़ नहीं होते, चिढ़ते नहीं, अरे यार ये क्या मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़, अगर ऐसा सोचोगे ना तो कभी भी वो तकलीफ़ आपको फ़ायदा नहीं देगी, आपको बहुत परेशान करेगी। आपने कैसे सोचना है कि इस ओके कोई बात नहीं, तकलीफ़ आई है, अब मैं परफॉर्म करूँगा, मैं लड़ूंगा इससे, या मैं लड़ूंगी और डट के इस तकलीफ़ के सामने खड़े जाऊँगी, इसका सामना करूँगी और मैं जीतूँगी इंशाल्लाह। ऐसी एक आपने ना हिम्मत रखनी है। तो आपको जब भी कभी किसी तरीके की कोई तकलीफ़ आती हो ज़िंदगी में, उसके सामने डट के खड़े हो जाओ, लेकिन परफॉर्म करके दिखाओ। ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रखे, तकलीफ़ आई क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। रोना धोना नहीं है, रोना धोना तो ज़िंदगी में वैसे भी मत रखो, ठीक है ना? कोई सुनने वाला नहीं है और कोई आंसू पोंछने वाला भी दुनिया में नहीं आता, आप रहते हो और आपकी तकलीफ़ रहती है, याद रखना ये बात। तकलीफ़ में रहोगे कोई आपको आसपास नहीं दिखेगा, आप अकेले रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे साथ मेरे शौहर थे, मेरा बच्चा था, तो मैं तो उस मामले में लकी निकली कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कि मैं अकेलापन झेली हूँ। लेकिन ऐसा होता है आमतौर पर लोगों के साथ कि जब भी वो तकलीफ़ में होते हैं वो अकेले होते हैं, उनको वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते कि देखो हमारे साथ ये तकलीफ़ है, और शेयर करते भी ना तो मजाक ही उड़ता है, कोई अच्छा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि लोगों ने अब इमोशंस खो दिया है अपना, लोग अब वो इमोशंस में नहीं जीते, लोग थोड़ा अभी दिमाग का इस्तेमाल करते, दिल से थोड़ा कम सोचते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि तकलीफ़ आई ना तो उस रब को याद करो और उस तकलीफ़ को देखो कि अब आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, उसके सामने डट के खड़े जाओ, परफॉर्म करके दिखाओ। वो एक टाइम के बाद, एक टाइम होगा जब तक वो तकलीफ़ आपकी तकदीर में लिखी हुई है, उस टाइम के बाद में वो तकलीफ़ जब जाने लगेगी ना, वो आपको इतना कुछ सिखा देगी और इतना स्ट्रांग बना देगी कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर लम्हे में आप हर चीज़ के लिए तैयार रहोगे, आपको कभी कोई ऐसे सच एज प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप स्ट्रांग बन जाओगे, निखर के आओगे। एक होता है ना लोहा भी आग में तपता है तो कोई एक शेप लेता है उसके बाद ही, तप तप के आग में पक पक के, तो उस तरीके से होता है इंसान के साथ भी, कि वो जितना यानी इंसान ग्रिल होता है ना प्रॉब्लम्स के साथ में, उतना फिर वो अच्छा शेप लेके और मस्त मोल्ड होके बाहर निकलता है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी तकलीफ़ वगैरह रहे ना तो बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डट के इसका सामना करो, उसके सामने लड़ो और स्ट्रांगली खड़े हो जाओ, और देखें क्या बिगाड़ती है तकलीफ़ तुम्हारा, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक तुम अपनी बिगाड़ नहीं करना चाहोगे ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये याद रखना। और अपने रब के ऊपर ईमान रखो, जिसने तुमको पैदा किया है वो तुम्हारा अच्छा बुरा सब जानता है, तो उसके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाओ और अपने साथ ऑनेस्ट रहो। ये बात बोलना चाहूँगी, हमेशा बोलूँगी कि सबसे पहले अपने आप से सच बोलो, अपने आप से, दूसरों से बाद में, पहले खुद से सच बोलो,
तो हमेशा लड़ने के मूड पे रहो, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी कुछ भी दिखा सकती है। अच्छा वक्त चलता है तो बुरा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त है अच्छा वक्त भी आएगा। तो ये थी छोटी सी बात, और ये हर अभी वीडियो में मैं ऐड करूँगी। देखो बोर नहीं होना, अगर बोर हो रहा होगा तो मुझे लिख के बताना कि बोर हो रहा है, मैं उस पर भी काम करूँगी। लेकिन अगर मेरी बातों से अगर आपको कोई अच्छा पहुँचता है, कुछ अच्छा मिलता है, कुछ वैल्यू ऐड होती है आपकी ज़िंदगी में, तो फिर मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। मुझे तो वही चाहिए, ये व्यूज़ के लिए नहीं करी। अगर इसमें व्यूज़ नहीं भी आए ना तो मुझे गम नहीं है। मेरा ऐसा है कि मेरे चंद लोग भी अगर मुझे सुनते हैं ना, थोड़े से ही सही, किसी एक का भी फ़ायदा हुआ तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो इस नीयत से मैं कर रही हूँ, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि कैसा मैं कर रही हूँ और कैसे मैं और मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो मैं सीखूंगी और मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। हर चीज़, हर वक्त, हर कभी भी, मतलब आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी आपने मुझे क्यों बताया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर मेरी बातें बुरी लगती हो तो वो भी मुझे बताना, अच्छी लगती हो तो वो भी मुझे फीडबैक देना। अगर नहीं फीडबैक दे पा रहे हो तो कोई वो भी प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। 5 मिनट दम देने के बाद तो ये जी कीमे का फाइनल लुक। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।